बाकी पहले ना दो रास्ते थे यहाँ भीमबली से, एक रामबाड़ा को जाता था ये वाला रास्ता, तो ये रास्ते से अब तो घोड़े और पैदल यात्री चल नहीं रहे हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा है इस रास्ते पे। तो यात्रा भी काफ़ी सारी बढ़ गई है और ऊपर से रास्ते भी टूटे हुए हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारा जाम लग रहा है भाई रास्ते में। बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो टाइम से नहीं मिल रही होगी क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारा जाम भी लग रहा है और मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो इस वजह से थकान भी लग रही है और शाम को वीडियो एडिट करने का टाइम भी नहीं हो रहा है, डायरेक्टली नींद आ रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट में आप लोगों को वीडियो पहुंचाता हूं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका एक और नए केदारनाथ के अपडेट के साथ। दोस्तों सुबह के 7:30 हो चुके हैं, बाकी अभी हम लोग केदारनाथ घोड़ा पड़ाव में घोड़े लेके पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे यात्री आज नज़र आ रहे हैं, बाकी चारों ओर घोड़े खच्चरी आप लोगों को नज़र आएंगे। तो कल परसों काफ़ी सारे यात्री केदारनाथ धाम में पहुंच गए थे, तो इस वजह से आज यहाँ पे काफ़ी सारी यात्री भीड़ नज़र आ रही है। बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो टाइम से नहीं मिल रही होगी क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारा जाम भी लग रहा है और मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो इस वजह से थकान भी लग रही है और शाम को वीडियो एडिट करने का टाइम भी नहीं हो रहा है, डायरेक्टली नींद आ रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट में आप लोगों को वीडियो पहुंचाता हूं। बाकी कुछ खास वीडियो बन भी नहीं पाती होगी क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारा जाम भी रहता है और मेरे पास माइक भी नहीं है, तो इस वजह से इस प्रॉब्लम से वीडियो क्लियर भी नहीं बन पाती है कुछ। बाकी अभी हम लोगों को सवारी मिलेगी तो हम निकल जाते हैं गौरीकुंड के लिए। बाकी मौसम तो चारों ओर कोहरे से पैक हो रहा है। दोस्तों यहाँ यात्री इतने सारे फंसे हुए हैं केदारनाथ में कि यहाँ यात्री खुद पूछ रहे हैं आज कि घोड़ा चाहिए भाई हमें नीचे जाने के लिए, नहीं तो हम लोगों को पूछना पड़ता था कि घोड़ा चाहिए घोड़ा चाहिए, तो आज यात्री खुद पूछ रहे हैं कि हमें नीचे गौरीकुंड जाने के लिए घोड़ा चाहिए भाई, तो हर किसी की मजबूरी रहती भाई। बाकी दोस्तों अभी हम लोग सवारी लेके गौरीकुंड में पहुंच चुके हैं, तो आज भी यहाँ पे भयानक वाला जाम लग रहा है क्योंकि यात्रा बढ़ गई है, तो इस वजह से रास्ते में जगह जगह पे काफी सारा जाम लग रहा है। बाकी रास्ते भी जगह जगह से टूटे हुए हैं, तो इस वजह से रास्ते में भयानक वाला जगह जगह पे जाम देखने को मिल रहा भाई, तो हालत खराब हो रही भाई जाम से निकलते निकलते, तो यात्रा भी काफी सारी बढ़ गई है और ऊपर से रास्ते भी टूटे हुए हैं, तो इस वजह से काफी सारा जाम लग रहा भाई रास्ते में। चलो चलो
बाकी दोस्तों अभी हम लोग गौरीकुंड से सवारी लेके भीमबली से काफी ऊपर पहुंच चुके हैं। बाकी आजकल रास्ते में डेली जाम लग रहे हैं भयानक वाला, तो अभी हम लोग जाम से तो निकल गए हैं बड़ी मुश्किल करके। तो रास्ता टूटा हुआ है पूरी तरह से, तो इस वजह से डेली यहाँ पे जाम लग रहा है भयानक वाला। तो नीचे चीरबासा भैरव मंदिर के वहाँ पे भी रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है, तो रास्ते में काफ़ी सारा जाम लग रहा है। वन साइड ही घोड़े चल रहे हैं, तो इसी वजह से भी काफ़ी सारा जाम लग रहा है। बाकी पहले ना दो रास्ते थे यहाँ भीमबली से, एक रामबाड़ा को जाता था ये वाला रास्ता, तो ये रास्ते से अब तो घोड़े और पैदल यात्री चल नहीं रहे हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखा है इस रास्ते पे। तो इस वजह से इस रास्ते पे अब पैदल यात्रा और घोड़े वाली यात्रा नहीं चलती हैं। और नीचे पे एक पुल है बड़ा सा, तो वहाँ पे भी वन साइड घोड़े चलते हैं, तो इस वजह से रास्ते में काफ़ी सारा जाम लग रहा है। बाकी फटाफट निकलते हैं। बाकी अभी पूरी तरह से कोहरे से मौसम पैक हो चुका है, बाकी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। और ये देखो साइड में अपने भाई बंद भी लगे हुए हैं काम करने में भाई, और मौसम पूरी तरह से कोहरे से पैक हो गया भाई। बाकी रास्ता तो जगह जगह पे ख़राब हो रखा भाई, पूरा रिस्की भरी रास्ता है और यात्रा भी बहुत तगड़ी चल रही भाई। बाकी दोस्तों अभी हम लोग बड़ी लिंचोली में पहुंच चुके हैं, तो अभी पूरी तरह से मौसम चारों ओर से कोहरे से पैक हो चुका है। बाकी बारिश भी लगातार लगी हुई है और जाम से रास्ते में हालत खराब हो रही भाई। बाकी दोस्तों अभी हम लोग अपने डेरे पे पहुंच चुके हैं और अभी रात के 9:30 हो चुके हैं, तो अभी हम लोगों ने खाना खुना भी खा लिया है। बाकी अभी हमारी सोने की तैयारी हो रही है। और मौसम की बात करूँ तो बाहर अभी भयानक वाली बारिश लगी हुई है। बाकी दोस्तों रास्ते में आजकल जगह जगह से काफ़ी सारा जाम लग रहे हैं क्योंकि रास्ते टूटे हुए हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारा जाम भी लग रहा है। बाकी यात्रा भी काफ़ी सारी बढ़ गई है, तो इस वजह से यात्रियों को भी काफ़ी सारी दिक्कत परेशानियां आ रही है क्योंकि रास्ते में बहुत सारा जाम लग रहे हैं। घोड़े खच्चर वाले भी काफ़ी सारे हैं और यात्रा भी काफ़ी सारी बढ़ गई है, तो इस वजह से यात्रियों को भी दिक्कत परेशानियाँ हो रही है, जाम लग रहे हैं जगह जगह से। बाकी दोस्तों आज की छोटी सी अपडेट यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं आपको अगले नए केदारनाथ के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बाबा केदार, बाबाए टाटा, टेक केयर, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए भाई। और बाहर भयानक वाली बारिश लग रही थी भाई, ये देखो आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको ना, तो बाय बाय।